हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पिछला लेक्चर जो था, पिछला जो वीडियो था, उसके अंदर हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में सीखा था। हम लोगों ने देखा था किस तरीके से हमारे अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। और हमें ये भी पता है कि जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो दो तरीके से हो सकता है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन से होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, और सेकेंड है एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो आज हम लोग विदाउट ऑक्सीजन किस तरीके से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ये चीज़ को डिस्कस करने वाले। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो सब लोगों को ये वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस बिगिन। ओके, सो देखो, जैसे कि नाम हमें बता रहा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का उल्टा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज कर रहे थे, अब इसके अंदर हम लोग कोई ऑक्सीजन का यूज नहीं करने वाले हैं। किसके लिए? ग्लूकोज के ऑक्सीडाइजेशन के लिए, या तो हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए हम लोग कोई ऑक्सीजन का यूज नहीं करने वाले। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन लोगों को ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं सर्वाइव करने के लिए। अगर इनको ऑक्सीजन दिया गया तो ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब इनको कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। विचित्र प्राणी है, देखो हम लोगों को तो ऑक्सीजन के बिना चलेगा नहीं, वैसे ही इन लोगों को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो ये विचित्र है ना। इसके लिए तो इनका नाम बैक्टीरिया है और हम लोगों से अलग है। तो इनके लिए जो एनर्जी का प्रोडक्शन है, क्योंकि इनके पास भी ऑर्गन होते हैं, इनका भी लाइफ प्रोसेस है, जो इनके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज विद द हेल्प ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो नाउ यू कैन सी सम ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया कैनॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नहीं खत्म हो जाएंगे, ऑक्सीजन आया खत्म। तो ऑक्सीजन से बहुत बड़ा दुश्मन ही है, तू रुक जा, ऑक्सीजन से दुश्मन ही है। तो बैक्टीरिया डज नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर सच ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो इनको तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो तो सबको पड़ती है, बिकॉज एनर्जी ऊर्जा स्रोत है, ये हर काम इसी से पॉसिबल है। तो इन लोग को एनर्जी चाहिए, इसके लिए इन लोग क्या करेंगे, क्या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है इन लोगों को, तो एनर्जी नहीं बनाएंगे, नहीं एनर्जी तो बनाना पड़ेगा, इन लोग दूसरा रास्ता ढूंढेंगे, इन लोग सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे, राइट। तो इन लोगों के अंदर ऑक्सीजन का कोई जरूरत नहीं पड़ता है फॉर एनी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, तो अब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर डिटेल, अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज एंड वेरी लेस एनर्जी इज ऑब्टेन। देखो डिफरेंस है कुछ, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में हम कार्बोहाइड्रेट खाते थे, जब फूड से हम लोग को जो कार्बोहाइड्रेट मिलता था, हम उस कार्बोहाइड्रेट में से जो ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है उसको क्या करते थे, ऑक्सीडाइज करते थे, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करते थे, और हम लोगों को अलग अलग कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स मिलते जाता था, उसको हम लोग अलग क्रैप साइकिल हो गया हम लोगों का, वहाँ पे चेन रिएक्शन करवाते थे और इस तरीके से एनर्जी का प्रोडक्शन होता था। सेम इधर भी वही है, देखो ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज यहाँ पे पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होता ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं, इसको कुछ दूसरी तरीके से ऑक्सीडाइज करवाया जाता है। एक्चुअली ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज होने का मतलब होता है लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, जो मिनरल्स है, जो भी एलिमेंट है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, उसी को ऑक्सीडाइज होना बोलते हैं। तो इसके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज C6H12O6, इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं या तो लूज कर देते, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो गया, राइट। तो ये जो ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन होता है ये पूरी तरीके से नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन लगता है उसके लिए और ऑक्सीजन है ही नहीं यहाँ पे, तो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इनकम्प्लीट। और इसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है बहुत छोटा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और इसको कंटिन्यूस, ये एनर्जी के प्रोडक्शन को कंटिन्यूस रखने के लिए आपको लगातार पॉजिटिव सिस्टम बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव सिस्टम बनाने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो इसके अंदर लगातार एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए ग्लूकोज को लगातार पॉजिटिव बनना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। हाँ, एक प्रॉफिट है इसके अंदर, ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये फास्ट रेस्पिरेशन होता है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। ओके, तो इसके अंदर देखो दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एरोबिक में तीन प्रोसेस थे, है ना, इसके अंदर दो प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस होता है, और ग्लाइकोलिसिस में जो प्रोडक्ट मिलता है सेम प्रोडक्ट मिलता है,
जो हम लोग को एरोबिक में मिल रहा था, ग्लाइकोलिसिस में क्या मिल रहा था हम लोगों को, NADH2 पाइरुविक एसिड ATP मिल रहा था, और साथ में कुछ हम लोगों को वाटर मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे। सेम चीज इसमें भी मिलेगा क्योंकि यहाँ पे भी तो ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, बट ऑक्सीडाइजेशन प्रेजेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है इसके लिए, पूरा ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, थोड़ा हो रहा है, तो हम लोगों को सेम रिजल्ट मिलेगा। तो जो रिजल्ट ग्लाइकोलिसिस में मिलेगा, अब उसके ऊपर फर्मेंटेशन होगा, कुछ बैक्टीरियाज आएंगे उसके अंदर फर्मेंटेशन करेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे फर्मेंटेशन करेंगे, आयंस का एक्सचेंज होगा और कुछ नया ऑर्गेनिक एसिड्स और हम लोगों को लिपिड्स मिलेंगे, हम लोग को एल्कोहल मिलेंगे, हम लोगों को ऑर्गेनिक एसिड और एल्कोहल मिलेंगे उसके अंदर से, राइट। तो दो स्टेप का ये प्रोसेस होता है, कौन सा, इन एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो इसके अंदर ग्लूकोज है, जो ये ग्लूकोज ग्लूकोज डायरेक्ट हम लोगों को क्या दे देगा, एनर्जी दे देगा, फर्मेंटेशन होगा तो एनर्जी के फॉर्म कौन से फॉर्म में देते हैं, ATP के फॉर्म में देते हैं, यही प्रोसेस, ठीक है। अब ये प्रोसेस, ये जनरलाइजेशन व्यू था, मैंने बताया ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पार्ट लेता है, फर्मेंटेशन के बाद जो इधर मिलता है वो डायरेक्टली एनर्जी मिल जाता है ATP के फॉर्म में, ग्लूकोज ATP, राइट। अब इसको हम लोग डिटेल व्यू में देखेंगे, व्हाट happens in glycolysis। जब aerobic respiration की बात करेंगे तो glycolysis में क्या होता है, same process होता है, सबसे पहले जो carbohydrate है glucose, कौन carbohydrate, कौन है glucose है, carbohydrate कौन है glucose है, तो हम लोग glucose को बुलाएंगे, क्या है glucose है, देखो C6H12O6 glucose आ गया, glucose के ऊपर oxidization होगा, इसके अंदर glucose अपने electron lose करेगा, right। एबसेंस है ऑक्सीजन का, याद रखना है एबसेंस ऑक्सीजन का, क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, और इससे हम लोग को रिजल्ट क्या मिलता है, याद कर लो, सेम एनएरोबिक एरोबिक सेम हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा, क्या पाइरुविक एसिड मिलेगा, NADH2 मिलेगा और ATP मिलेगा, कुछ अमाउंट में एनर्जी भी मिलेगा, राइट। तो इससे हम लोग को पाइरुविक एसिड मिलेगा, उसके बाद हम लोगों को NADH2 मिलेगा, उसके बाद हम लोग को ATP मिलेगा, एनर्जी, थोड़ा सा एनर्जी। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन हुआ, ग्लूकोज इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो हम लोग को पाइरुविक एसिड मिलता है, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पाइरुविक एसिड में, NADH2 में और ATP में, थोड़ा सा एनर्जी मिलता है। अब इसके ऊपर क्या होगा, अब सेकेंड प्रोसेस क्या है एनारोबिक में, फर्मेंटेशन। अब जो प्रोडक्ट हम लोग को ग्लाइकोलिसिस में मिला है, ये मेन प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, याद रखना, और सबसे मेन प्रोडक्ट पाइरुविक एसिड, यही हीरो है, पाइरुविक एसिड नहीं है तो कुछ नहीं होगा। सो सबसे हीरो कौन है हीरो, पाइरुविक एसिड। तो पाइरुविक एसिड अब फर्मेंटेशन में हिस्सा लेगा, ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे खत्म हो गया, ग्लाइकोलिसिस में प्रोडक्ट मिला पाइरुविक एसिड, NADH2, ATP, थोड़ा सा एनर्जी मिला, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ, ऑक्सीजन नहीं था, कुछ दूसरे मेथड से ऑक्सीडाइजेशन किया गया, इसके लिए ATP यानी कि एनर्जी बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर एनर्जी मिलेगा। अब यहां से पाइरुविक एसिड सेकेंड स्टेप फर्मेंटेशन में हिस्सा लेगा, इवन ये भी फर्मेंटेशन में हिस्सा लेगा। तो हम लोग अब बढ़ते आगे और हम लोग देखते किस तरीके से फर्मेंटेशन होगा इसका। देखो ग्लूकोज जो था, ग्लूकोज पाइरुविक एसिड NADH2 में कन्वर्ट हो गया और थोड़ा सा एनर्जी हम लोग को मिल जाएगा। नाउ फर्मेंटेशन, अब फर्मेंटेशन में दो तरीके का फर्मेंटेशन होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। सबसे पहला होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मैंने आपको बताया इसके अंदर हिस्सा कौन लेगा, इसके अंदर पार्टिसिपेट कौन करेगा, ये जो कंपटीशन चल रहा है इसके अंदर पार्टिसिपेट कौन करेगा, तो आंसर है जो लोग ग्लाइकोलिसिस के कंपटीशन में जीते, अब उन लोग ये सेकेंड वाले स्टेप में पार्टिसिपेट करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, फर्मेंटेशन है। फर्स्ट स्टेप क्या था, पहला वाला गेम कौन सा था, ग्लाइकोलिसिस था, ग्लाइकोलिसिस में जो जीतेगा अब वो कहां पे आएगा, सेकेंड वाले गेम में आएगा, दैट इज फर्मेंटेशन। अब सेकेंड वाले गेम में दो तरीके का टाइप्स हम लोग को दिखेगा, दो वेराइटीज दिखेगी। सबसे पहले लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, उसके बाद एल्कोहल फर्मेंटेशन होगा, दोनों को हम लोग डिटेल में देखते। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट करते, कौन हिस्सा लेगा, जो ग्लाइकोलिसिस में जीता था, कौन जीता था, NADH2 और पाइरुविक एसिड। तो यू कैन सी पाइरुविक एसिड आ गया, NADH2 आ गया। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों अपने आप को रिड्यूस यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे और ये अपने आप को कुछ दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो ये जो पाइरुविक एसिड है ये इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या करेगा, NADH2 से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब जब ये NADH2 से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये देखो जरा ध्यान से देखना, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये पॉजिटिव बन गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया, नेगेटिव आयंस दे दिया, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, है ना। और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, क्या बन गया, नेगेटिव। तो जब पाइरुविक एसिड एक इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं,
तो यहाँ पे जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो प्रोसेस को ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं। तो NADH2 का ऑक्सीडाइजेशन हुआ और अब NADH2 NAD+ बन जाएगा, यानी कि NADH2 जो था इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव आयन्स इसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक वैल्यू से ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो एक वैल्यू से पॉजिटिव बन गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फर्मेंटेशन प्रोसेस में, किसको? पाइरूविक एसिड को डोनेट करेगा और अपने क्या बन जाएगा, NAD+ बन जाएगा, पॉजिटिव आयन्स बन जाएगा। अब ये NAD+ वापस से किधर चला जाएगा, NAD+ ग्लूकोज के पास चला जाएगा वापस से क्या करने के लिए, ऑक्सीडाइजेशन करने के लिए। तो ये NAD+ जो है, NAD+ जो है यही क्या करता है, ग्लूकोज के साथ मिक्स होता है और एनर्जी बनाता है, ATP बनाता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में वापस से चला जाएगा। तो NAD+ है तो ग्लूकोज के पास जाएगा, ग्लूकोज के पास प्लस जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन रिप्लेस होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब क्या हो रहा है, पाइरूविक एसिड बनेगा और NADH2 बनेगा। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। तो ये किधर चला जाएगा, ग्लूकोज के पास ग्लाइकोलिसिस से, यानी कि लगातार एनर्जी बनना चाहिए। तो मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है NAD+, क्योंकि अब ये NAD+ जो बना ये किसके पास जाएगा, ग्लूकोज के पास जाएगा, वापस से पहले स्टेप में चला जाएगा। अब ग्लूकोज के साथ मिक्स होगा और ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडाइजेशन होगा विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नहीं है तो कौन इसको ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है, NAD+ करता है। तो हम लोगों को लगातार NAD+ बनाना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजेशन नहीं तो नहीं होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये ग्लूकोज के पास जाएगा, ऑक्सीडाइजेशन करेगा, पाइरूविक एसिड बनेगा, NADH2 बनेगा, ATP, ये ATP हम लोग को चाहिए, फिर से यही प्रोसेस चलेगा। तो देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, पॉजिटिव बन गया, और ये पाइरूविक एसिड जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो पाइरूविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। देखो एकदम सिंपल सा प्रोसेस था, बहुत मजे से चल रहा है, सब समझ में आ रहा है। देखो क्या हुआ, ये लोग जीत के आए थे कहाँ से, ग्लाइकोलिसिस के गेम से जीत के आए थे, अब इन लोग कौन से वाले गेम में पार्टिसिपेट कर रहे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। तो अब ये पाइरूविक एसिड और ये कौन है, NADH2 है, अब ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, और पाइरूविक एसिड एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव बन गया। अब ये NAD+ ग्लूकोज के पास जाता है ऑक्सीडाइजेशन करवाने के लिए, बिकॉज ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, सेकेंड प्रोसेस। अब ये जो लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड जो है, देखो इसके ऊपर लैक्टोबैसिलस, इसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो काम करता है, लेकिन हम लोगों को लैक्टिक एसिड से एनर्जी नहीं मिल रहा है, हम लोग को एनर्जी NAD+ से मिल रहा है। तो क्या रिजल्ट मिल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, इंपॉर्टेंट है NAD+। क्या इंपॉर्टेंट है, NAD+, क्योंकि यही ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवाएगा और थोड़ा सा ATP बनेगा, फिर से करवाएगा फिर थोड़ा सा ATP बनेगा, और ये ATP को हम लोग यूज करेंगे एनर्जी के लिए, राइट। तो लैक्टिक एसिड इसमें बनेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, राइट। तो पाइरूविक एसिड NADH2 से एक इलेक्ट्रॉन लिया और NADH2 NAD+ बन गया, पाइरूविक एसिड लैक्टिक एसिड, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग आ जाते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कौन हिस्सा लेगा, जो लोग ग्लाइकोलिसिस में जीते, कौन ग्लाइकोलिसिस में जीते, कितने बार बता चुका, NADH2 और पाइरूविक एसिड। तो ये दोनों अल्कोहलिक फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। तो पाइरूविक एसिड को हम लोग बुला लेते, पाइरूविक एसिड आ गया, NADH2 को भी बुलाते, NADH2 भी आ गया। अब इसके अंदर क्या होगा, तो देखो इसके अंदर ये जो पाइरूविक एसिड है ये अपने अंदर से CO2 लूज करेगा। तो देखो ये CO2 और ये CO2 को लूज कर देगा। जब ये CO2 को लूज करेगा तो ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देगा, जब CO2 को लूज करेगा तो ये अपने आप को ये एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिटल्डिहाइड में। तो क्या हुआ, पाइरूविक एसिड CO2 रिलीज किया और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर दिया, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, NADH2 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एल्डिहाइड के ऊपर आ जाएगा। एसिटल्डिहाइड के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसने क्या किया है, जरा याद करो, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सोचो, NADH2 ने क्या किया, NADH2 ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो इससे क्या बनता है, आप लोगों को पता है, इससे हम लोगों के पास क्या बनेगा, NAD+ बनेगा और इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, NAD+ और इथेनॉल। तो ये जो है, ध्यान से देखो, एसिटल्डिहाइड इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा
और NADH2 किस में कन्वर्ट होगा, NAD+ में, और ये किधर चला जाएगा, ग्लूकोज के पास, किसके लिए, ग्लाइकोलिसिस के लिए चला जाएगा, है ना। ग्लाइकोलिसिस से एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसके लिए चला जाएगा, और यहाँ पे इथेनॉल, इथेनॉल क्या है, इथाइल एल्कोहल, हम लोग को एल्कोहल मिल गया। सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ फर्मेंटेशन दैट इज कॉल्ड एज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्लियर है सब लोगों को। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब एरोबिक रेस्पिरेशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, तीन टाइप के स्टेप्स है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन दिया जाता था, एनर्जी मिलता था, H2O + CO2 मिलता था, राइट है। ये हम लोगों ने सीखा था किसके अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो इन एरोबिक रेस्पिरेशन को देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, एनर्जी मिल जाता है, ग्लूकोज डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट होता है विदाउट यूज ऑफ ग्लूकोज। तो आई होप कि सब लोगों को इन एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका। अब नेक्स्ट देखो, हमारे लाइफ में एनएरोबिक रेस्पिरेशन किधर देखने मिलता है, तो व्हेन वी रन और डू एक्सरसाइज एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस, दस फॉर ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड रैपिडली। देखो जब हम एक्सरसाइज करते भागते हैं तो हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, अब एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो जो हमारे बॉडी में एनर्जी है वो काफ़ी नहीं होता है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं तो हम लोगों को बहुत तेज़ी से एनर्जी का प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, तो तेज़ी से एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की भी तेज़ी से ज़रूरत पड़ेगी। अब ऑक्सीजन तेज़ी से लाने के लिए हमारा ब्रीथ फास्ट हो जाता है, फटाफट ऑक्सीजन, लेकिन ये भी भरपाई नहीं कर पाता, इसके लिए हमारे मसल्स क्या करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया ऑक्सीजन तो पूरा आ नहीं पा रहा है फटाफट, तो हम लोग एनएरोबिक से भी तो बना सकते हैं, हम लोग को तो आता है एनएरोबिक से, तो लोग एनएरोबिक प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। अब एनएरोबिक में क्या होता है, सब लोगों को पता है, एनएडी प्लस बनेगा जो चला जाएगा एनर्जी बनाने, और दूसरा क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। तो देखो यहाँ पे दस मसल सेल परफॉर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन टू कैटर दिस नीड, तो पायरुविक एसिड अंडर गो फर्मेंटेशन एंड प्रोड्यूस स्मॉल एनर्जी एंड लैक्टिक एसिड। स्मॉल एनर्जी एनएडी प्लस मिलेगा और लैक्टिक एसिड मिलेगा। अब ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल में स्टोर हो जाता है, जिसके वजह से एक्सरसाइज करने के बाद हम थक जाते हैं, दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट इन आवर मसल एंड वी फील टायर्ड। सेकेंड देखो, सीड परफॉर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब सीड है वो जर्मिनेट हो रहा है, मतलब उसका अंकुर बन रहा है, तो उस टाइम पे इसके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, अगर सॉइल जो है वो पूरा पानी से भरा हुआ है तो इसके अंदर क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। सम हायर प्लांट एनिमल एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ जो मल्टी सेलुलर हाईली डेवलप्ड एनिमल और प्लांट्स है उन लोग भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, साथ में एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करता है जब जरूरत पड़ता है। तो इसी तरीके से हमारा जो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ये हम लोग के बॉडी में एनर्जी बनाने में मदद करता है, एंड दस इन दिस वे द एनर्जी इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, और ये एनर्जी का हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मेनी एटम ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ ए ग्लूकोज। हम लोग को पता है सी सिक्स कार्बन सिक्स होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं, ऑक्सीजन भी 6 होता है। क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन ऑल दिस एटम्स, इनके बीच में कौन सा केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, राइट है, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है ये, कोवेलेंट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बनते हैं बॉन्ड, इसके लिए कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री व्हाट हैपन एक्चुअली व्हेन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज, कोई भी चीज ऑक्सीडाइज होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, या तो मॉलिक्यूल लूजेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, फिर से विच टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, कौन से रेस्पिरेशन में पूरा ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है ग्लूकोज का, एरोबिक रेस्पिरेशन, हम लोग ने सीखा है एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो विच सेल ऑर्गेनिज्म इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर ही क्रैब साइकिल होता है और पूरा ग्लूकोज और पूरा एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है। तो आई होप कि सब लोग को ये एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, क्या एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो फटाफट आपको दिल जितना है फटाफट लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो अगर आप नए हो तो। टिल देन हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।